क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आप भी अगर युवराज सिंह को टीम इंडिया का तूफानी बल्लेबाज व सिक्सर किंग मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। दोस्तों, टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह का दिखा फिर से जलवा। आपको बता दूं, हाल ही में भारत और मेंडलीव के बीच में खेला गया था एक रोमांचक मैच जिसमें टीम इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाज और टीम इंडिया के सिक्सर किंग के नाम से जाने वाले बल्लेबाज युवराज सिंह भी खेलते हुए नजर आए थे। ऐसे में इस मैच में तूफानी प्रदर्शन कर रहे युवराज सिंह ने अपना जलवा दिखाया। आपको बता दूं, इस मैच में युवराज सिंह ने लंबी पारी तो नहीं खेली लेकिन अपने छोटे ही अंदाज में युवराज सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है। आपको बता दूं, युवराज सिंह ने सिर्फ मात्र 6 गेंदें खेलकर 17 रन ठोक दिए थे जिसमें से युवराज सिंह ने 2 तूफानी चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। लेकिन युवराज आखिरी में बड़ी पारी खेलने के चक्कर में गलत शॉट खेल बैठे और वो आउट हो गए। युवराज सिंह ने सिर्फ 6 गेंदें ही खेली और 6 गेंदों में युवराज सिंह ने 250 के स्ट्राइक रेट से 17 रन ठोक दिए। इसका मतलब यह है कि युवराज सिंह कभी भी आकर तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि युवराज सिंह आखिरी के ओवरों में आकर तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और इस मैच में भी युवराज सिंह का यही तूफानी अंदाज दिखा। और हाल ही में अब 2019 का आईपीएल भी शुरू होने वाला, देखते हैं युवराज सिंह का प्रदर्शन आईपीएल 2019 में कैसा रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए सही है या नहीं, इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।